बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम 6th चैप्टर शुरू करेंगे, किंगडम प्रोकैरियोटी, जिसको मोनेरा भी कहा जाता है। बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं। दो कैटेगरीज में बैक्टीरिया को डिवाइड किया जाता है और ये प्रोकैरियोट्स में आते हैं, यू बैक्टीरिया एंड आर्कियू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो हैं ये अब वाले रिसेंट बैक्टीरिया हैं, ट्रू बैक्टीरिया इनको कहते हैं, जबकि जो पुराने एंशियंट बैक्टीरिया हैं उनको आर्कियो बैक्टीरिया कहते हैं। उसके बाद आपको, आपने ये डिस्कवरी जो है बैक्टीरिया की, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, और सिर्फ एक जो है ये आपने पास्टुलेट्स देखने हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के, जो कि रॉबर्ट कोश ने जो है दी थी। इसका मेन पास्टुलेट ये है कि जर्म कोई ना कोई जो है वो फाउंड होता है विद एसोसिएटेड विद अ सर्टन डिजीज़, यानी अगर हम एक डिज़ीज़ की बात करें तो उसके साथ हमेशा एक जर्म जो है वो एसोसिएटेड होगा। तो ये इसका मेन पॉइंट जो है उसको आपने देखना है। बैक्टीरिया जो है अक्रंस वाइज एवरीवेयर जो है पाए जाते हैं, वाइड स्प्रेड है। इसके लिए एक हम वर्ड कॉस्मोपोलिटन यूज़ करते हैं, और तफसील आप इसकी देख सकते हैं कि ऑयल डिपॉजिट्स में है, डिकेइंग फूड के अंदर हैं, हर तरह की जो पॉसिबल लोकेलिटी है उस पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया का हमने स्ट्रक्चर पढ़ना है, जो कि इसका मेन टॉपिक है। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स हैं, क्रोमेटिन बॉडीज़ हैं, जो कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें सेल वॉल भी है बहुत सारे बैक्टीरिया में, और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में कैप्स्यूल, स्लाइम, फ्लैजेला, पाइली, फिम्ब्री एंड ग्रेन्यूल, सिस्ट वगैरह हैं, जो इससे आगे हम डिफरेंट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। साइज़ हम देखें तो इसकी रेंज 0.1 से 600 माइक्रोमीटर तक है, और उसके अलावा डिफरेंट शेप्स में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे एस्टरीका कोलाई जो है ये 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर वाइड है और 2 से 6 माइक्रोमीटर लॉन्ग है। इस तरह स्टेफाइलो को कहे गए, स्ट्रेप्टो को कहे गए। शेप्स में हम देखें तो 3 टाइप्स की बैक्टीरियल शेप्स हैं। उसमें सबसे पहली जो शेप है वो कोकाए है, कोकस इसका सिंगुलर है, सिंगल होगा तो इस फॉर्म में है, 2 हैं तो डिप्लोकोकस हैं, 2 से ज़्यादा हैं तो इस तरह चेन बनाते हैं, इसको स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। फिर उसके बाद ये डिवीजन जब करते हैं तो टेट्राड फॉर्म में है, 4 इस तरह की फॉर्म में होंगे, और अगर ये इसी तरह 4 डिवाइड होंगे, 8 सेल्स बनेंगे तो इसको सार्कीना कहेंगे। ग्रुप ऑफ कोकाए होगा तो इट इज़ कॉल्ड स्टेफाइलोकोकाए। एग्जाम्पल में डिप्लोकोकस निमोनिया है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियंस है। बेसिलस शेप इस तरह की है, थोड़ी सी लंबी, और इसी तरह ये जब 2 होंगे तो यूँ डिप्लो बेसिलस कहलाएंगे, इस तरह की शेप नहीं होगी, चेन फॉर्म में ये स्ट्रेप्टो बेसिलस हैं। इसकी एग्जांपल में एस्टरीका कोलाई है, बेसिलस सेप्ट्यूलस है और सूडोमोनास है। तीसरी शेप जो है वो स्पायरल कहलाती है। स्पायरल शेप बैक्टीरिया में 3 फॉर्म्स हैं, विब्रियो, स्पायरलम एंड स्पायरोकीट। विब्रियो केला कोमा शेप है, यानी इतनी शेप होगी विब्रियो है, और ये पूरी शेप होगी तो ये स्पायरोकीट और स्पायरलम है। स्पायरलम थिक और रिजिड है, जबकि स्पायरोकीट जो है वो थिन और फ्लेक्सिबल है। इसकी एग्जांपल में जो है विब्रियो और हाइफोमाइक्रोबियम आते हैं।